Assalamu alaikum student. Today we will study dry milling and the fractionation of grains with special reference to maize. Maize also called as corn. Maize dry milling processes. The milling process separates the grain into four distinct physical components. The germ, flour, fine grits and coarse grits. The separated material are then reduced into food products utilized for human and animal consumption. Milling process ke dauran jo hai jab humne maize ke grain ke particles padhe the to uske andar humne ek endosperm ka part padha tha, ek pericarp and one germ. तो जो जर्म होता है वो अलग से सेपरेट हो जाता है जब एंडोस्पर्म पेरिकार्प अगर तो हमें होल मेज मील चाहिए मतलब कंप्लीट तो हम जो है उसमें किसी भी चीज़ को सेपरेट नहीं करते ऐसा होल ही ग्राइंड कर लेते हैं बट व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर पर्पस बेस्ड जो मिलिंग होती है उसमें जो है वो ब्रैन अलग हो जाता है जर्म अलग हो जाता है फ्लोर अलग होता है थोड़ा सा कोर्स फ्लोर जो होता है जिसे फाइन ग्रिट्स बोलते हैं कोर्स फ्लोर एंड फाइन ग्रिट्स वो अलग हो जाता है और कोर्स ग्रिट जो कि बड़े एंडोस्पर्म से छोटे होते हैं लेकिन जो है वो कोर्स फ्लोर से बड़े होते हैं ये सब अलग अलग हो जाते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 165 मिलियन बुशल्स ऑफ कॉर्न आर ड्राई मिल्ड पर ईयर ये यूएस का रेट है करेंटली ड्राई मिलिंग इज मेनली फोकस्ड ऑन कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फ्यूल एथनल प्रोडक्शन ड्राई मिलिंग प्रोसेस मेज का भी होता है और वेट मिलिंग प्रोसेस भी होता है वेट मिलिंग प्रोसेस भी पर्पस बेस्ड मिलिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राई मिलिंग प्रोसेस इज टू सेपरेट द एंडोस्पर्म विच इज़ मेनली कम्पोज ऑफ स्टार्च फ्रॉम द जर्म एंड पेरिकार्प फाइबर एज मच एज पॉसिबल जो एंडोस्पर्म का पार्ट है जो मेनली प्रोटीन एंड स्टार्च से मिलकर बना होता है उसको सेपरेट करना है ब्रैन यानी पेरिकार्प से और जर्म से एज मच एज पॉसिबल ड्राई मिलिंग प्रोसेसेस के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहले तो फिज़िकल सेपरेशन होती है मैस बेस पे जाहिर बात है ब्रैन जो है वो जब सेपरेट होगा तो वो थोड़ा लाइट वेट होता है और जर्म जो होता है ऑब्वियसली कंटेनिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑयल In dry milling, we don't use chemicals because in wet milling, we may use chemicals. We will discuss in wet milling. Maximizing surface area of solids for processing. जब dry milling में आप roller mill या hammer mill या pin mill जो भी use करते हैं आप जो हैं वो surface area increase करते हैं processing के लिए रिसोर्स पल्पिंग होती है मिनिमल वाटर यूज जस्ट टेम्परिंग के लिए यूज़ होता है इसके अलावा स्टीपिंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता What is not used as separation agent? यहाँ पर water जो है वो separation agent use नहीं हो रहा बल्कि dry milling में सिर्फ tempering के लिए यानी tempering already we have read that it is the addition of water into the grains to facilitate to improve to increase their moisture level which facilitates the milling process. लो कैपिटल कॉस्ट होती है इसकी ऑब्वियसली जब वाटर कम यूज़ हो रहा है तो फिर ड्राइंग वगैरह भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता लोअर सेपरेशन कंपेयर टू वेट मिलिंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्च प्रोटीन फाइबर एंड ऑयल रिलेटिव टू वेट मिलिंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्च प्रोटीन फाइबर एंड ऑयल रिलेटिव टू वेट मिलिंग The most utilized grinding mills include pin, hammer, and disc mills. But many machines are utilized for more specific processes. To maintain high starch extraction, the grains will go through a degermination process. यहाँ पर जो है जो degermination process होता है आगे हम detail में पढ़ेंगे उस process के through जो है वो at the start ही जो है वो germ और pericarp या bran जो है वो अलग कर लिया जाता है फिर हमारे next जो grinding mills हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
आपका एंडोस्पर्म जाता है होल ग्रेट. दिस प्रोसेस रिमूव्स द जर्म एंड फाइबर फर्स्ट एंड द एंडोस्पर्म इज रिकवर्ड इन सेवरल साइजेस ग्रेट्स कॉन्स मील्स एंड फ्लो. यू कैन सी द फ्लो डायग्राम ऑफ मेज ड्राई मिलिंग. हेयर यू विल सी 100 ग्राम मेज एट 12-14% मॉइस्चर लेवल. And during cleaning, some dockage, foreign material and broken kernels are excluded. And in cleaning, a magnet separator, which remove the metal particles, air aspirators, gravity tables and stoner. That's destoner, those remove the stones in the feedstock. Then cleaned maize. 3 kg के अराउंड जो है वो ये डॉकेज फॉरेन मटेरियल एंड ब्रोकन कर्नल्स में चला जाता है. तो अप्रॉक्सीमेटली 97 kg जो है 12-14% मॉइस्चर लेवल. यहाँ पर हम वाटर ऐड करेंगे टू इंक्रीज द मॉइस्चर लेवल अप टू 24%. 24% ये 14 घंटे के लिए जो है 3 hours के लिए रख देंगे हम इसको. इसकी टेम्परिंग करेंगे तो इसका वेट हो जाएगा 111 kg. देन डी जर्मिंग प्रोसेस. बेल डी जर्मिनेटर्स आर मोस्टली यूज. इम्पैक्ट मिल्स भी यूज़ होते हैं जिसमें हमारे पास 24% मॉइस्चर पे टेल्स आ जाती हैं. टेल जब जर्म निकल जाता है तो पीछे से जो हमारे पास ग्रिट बचता है उसको यहाँ पर टेल कहा गया है. जब जर्म निकल जाता है तो हमारे पास जो चीज़ बाकी बचती है उसको हम जो है बाकी का जो दाना होता है उसको टेल्स बोलते हैं. उसको उसकी हम ड्राइंग और कूलिंग करेंगे. 15 kg मॉइस्चर जो है वो तकरीबन 15 kg निकल जाएगा. राइट ये 111 में से 15 kg निकल के हमारे पास 96 kg ड्राइड टेल्स आएंगी. मॉइस्चर प्लस जर्म निकाल के 15 kg तो हमारे पास ड्राइड टेल्स आ जाएंगी जिसमें हमारे पास 12% मॉइस्चर लेवल होगा. यहाँ पर हम जो है इसकी ग्राइंडिंग होगी और ग्राइंडिंग के बाद जो है ये जो ड्राई टेल्स हैं इनकी यहाँ पर ग्राइंडिंग होगी. ठीक है ग्राइंडिंग के बाद एयर एस्पिरेटर की मदद से ब्रैन जो है वो निकल जाएगा 6-7 kg 12% मॉइस्चर पे. फिर हमारे पास जर्म प्लस एंडोस्पर्म प्लस स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गई हूँ. डी जर्मिंग में जो है वो बेल डी जर्मिनेटर से यहाँ पर जो लेकिन डी जर्मिंग हो गई है लेकिन हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक साथ रही हैं. ठीक है यहाँ पर जर्म प्लस एंडोस्पर्म प्लस फ्रैक्शंस हमारे पास रह जाएंगे. यहाँ पर हम जो है वो ग्रेविटी सेपरेटर के थ्रू जर्म को सेपरेट करेंगे. जर्म की ग्रेविटी जो है या स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कम होती है इसलिए कि इसके अंदर ऑयल होता है. ठीक है 11-12 kg जर्म जो है ये यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा 12% मॉइस्चर लेवल. पहला जो है एयर एस्पिरेटर की मदद से हमने ब्रैंड को निकाला क्योंकि ये भी लाइट वेट होता है. फिर ग्रेविटी सेपरेटर क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रैंड तो जो होता है ये फ्लेकी फॉर्म में होता है. ठीक है तो इसको जब एयर एस्पिरेशन करते हैं तो ये उड़ जाता है. लेकिन जो ये एंडोस्पर्म ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है जर्म इसलिए इसको जो है वो ग्रेविटी सेपरेटर के थ्रू करेंगे. हमारे पास रह गई एंडोस्पर्म फ्रैक्शन 77-79 kg 12% मॉइस्चर पे. जब इसकी ये जो एंडोस्पर्म की फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर इसमें ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन करेंगे. प्लेन सिफ्टर और प्योरीफिकेशन होगी तो हमारे पास ग्रिट्स बच जाएंगे. ये प्रोडक्ट्स आएंगी हमारे पास मेज फ्लोर होगा मेज मील होगी कॉर्न्स आएंगी हमारे पास. कॉर्न्स ये वो वाली कॉर्न्स नहीं है वो जो कॉर्न कॉब होती है वो वाली नहीं है. यहाँ पर जो है थोड़ा कॉनिकल शेप में जो ग्रिट्स आएंगे हमारे पास उनको बोलते हैं. कुछ रेगुलर ग्रिट्स होंगे कुछ मोटे दाने होंगे कुछ मोटे टूटे हुए दाने होंगे कुछ जो हैं वो. ये हमारे पास रोलर मिलिंग की क्लासिफिकेशन ये सारी हमारे पास आता है उसका फ्लो डायग्राम. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिंग प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेकिंग ग्रिट्स जो होता है उनका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है 5.8 से 3.4 तक होता है. और इसकी यील्ड जो है वो हम जो है वो 12% तक ये होते हैं. इसमें जो कोर्स ग्रिट्स होते हैं वो 2-1.4 mm जिनका साइज होता है वो तकरीबन 15% होते हैं बाय वेट. मीडियम ग्रिट्स जो होते हैं वो हमारे पास होंगे
1.4 to 1 mm के साइज के जो होंगे वो 23% यानी जो हाईएस्ट परसेंटेज है हमारे पास प्रोडक्शन की वो मीडियम और फाइन ग्रेड्स की होती है. कोर्स मील जो थोड़ा सा मोटा आटा होता है मेज का, और फाइन मील जो जो होता है वो वाला पार्ट जो थोड़ा सा कोर्स और फाइन मील जो होती हैं ये इन ग्रिड्स के बाद आती हैं, फ्लावर से पहले होती हैं. लेकिन यानी ये पार्टिकल साइज यू कैन सी 0.65 to 0.3, 0.3 to 1.75, लेस देन 0.17 mm जिसका साइज होगा वो पार्टिकल जो हैं वो तकरीबन उनका पार्टिकल साइज इतना बारीक होता है वो 5% हमारे पास फ्लोर आता है. ठीक है, ये हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है मिलिंग प्रोडक्ट्स की. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो ग्रेन आता है उस ग्रेन की जो रॉ ग्रेन्स हैं उनके अंदर क्या था, 10.37% के करीब वाटर था. ठीक है, जिसकी हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो 365 आता. ठीक है, प्रोटीन जो होती है वो 9.42% है इसमें, और इसके बाद जो हाईएस्ट प्रोटीन है वो हमारे पास येलो और वाइट ग्रिड्स में होती है. ट्रिप्टोफैन जो है वो जिस तरह उसमें लाइसिन लिमिटिंग अमीनो एसिड है वीट में, इसी तरह ट्रिप्टोफैन इज़ अ लिमिटिंग अमीनो एसिड इन मेज. ट्रिप्टोफैन जो है 0.067, और ये वाइट ग्रिड्स में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये मोस्टली येलो ग्रिड्स में आपको मिलेगा. बाकी तो आप देख सकते हैं कि होल मील में आपको मिल सकता है. लाइसिन जो है वो आपको अगेन येलो ग्रिड्स में ज़्यादा मिलेगा और होल मील में ज़्यादा मिलेगा. होमेनी ग्रिड्स और डी जम्प्ड मील के अंदर तो बिल्कुल. इससे क्या जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो तीन अमाइनो एसिड हैं ये नॉर्मली हमारे जर्म में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली जर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये वाली प्रोटीन कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड है. लिपिड्स जो हैं इसमें सैचुरेटेड जो हैं हमारे पास 0.667, नॉर्मली पोली अनसैचुरेटेड लिपिड्स इसमें मौजूद होते हैं. दैट्स वाई कॉर्न ऑयल इज़ यूटिलाइज्ड बाय द पेशेंट ऑफ CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए कॉर्न ऑयल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं. कार्बोहाइड्रेट अगर देखे जाएँ तो 74.26 जो है वो परसेंट पाए जाते हैं रा में, और वाइट ग्रिड्स में ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि ये कंसनट्रेटेड होता है, ब्रैन इसमें कम होता है. और अच्छा जी, येलो ग्रिड्स के अंदर भी आलमोस्ट सेम आ जाता है हमारे पास. अच्छा, ये येलो ग्रिड और वाइट ग्रिड जो है ये ड्राई रिफाइंड ड्राई मिल्क की प्रोडक्ट्स हैं. तो फोलेट जो है ये 19% तक राम ही होता है, बाकी जो है वो डी जर्म्ड मील के अंदर ज़्यादा होता है. डी जर्म्ड जो मील होती है इसमें ब्रैन की कंसंट्रेशन हाई होती है, इसलिए होल मील में पाया जाएगा. विटामिन ई जो है वो आपको अगेन डी जर्म्ड मील और होल मील में ज़्यादा मिलेगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो हमने पीछे कंप्लीट पढ़ा है प्रोसेस फ्लो डायग्राम पढ़ी है, उसको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो टेम्परिंग जो होती है ये नॉर्मली एक चेंबर में की जाती है जिसमें आप कॉर्न को 10 से 30 मिनट डिपेंड अपॉन कि आपने उसका कितना मॉइस्चर लेवल अप करना है. फॉर मोर एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ़ कोर्स ये मिलिंग के दौरान जर्म को सेपरेट करने के लिए या ब्रैन को लूज करने के लिए इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इम्प्रूव किया जाता है. टेम्परिंग ऑफ कर्नल लीड्स टू मॉइस्चर अपटेक बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल स्वेलिंग ऑफ जर्म एंड एंडोस्पर्म. तो जर्म ज़्यादा रिसीलियंट हो जाता है जो जर्म है, इसलिए ये ईजीली जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिलिंग बाहर आ जाता है. टेम्परिंग के दौरान जस्ट स्वेल अप होगा, स्टार्च जो है वो अपने तरीके का वाटर अब्जॉर्ब करेगा और जो जर्म है वो अपने तरीके का वाटर अपटेक करेगा. तो टेम्परिंग ऑफ अ कर्नल लीड्स टू मॉइस्चर अपटेक बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्वेलिंग ऑफ जर्म एंड एंडोस्पर्म. The germ becomes more flexible and resilient during tampering while there is no movement of material out of the kernel, right? It's just the water absorb karke jaise imbibition ke through jo hai wo water iska moisture content jo hai wo improve ho jayega.
Degerming. The objective of degermination is in corn dry milling is to break down kernel to pericarp, endosperm, and germ. Bell operation is used for fulfilling this goal, which separates the kernels received from tempering section into tails and throes. Bale degerminator is known for its high yield of flaking rates. However, other manufacturers have lower power requirements. Pilot plant bale has an inner cone rotating at 800 RPM. One of the advantages of bale degermination is weight adjustment and tailgate for increment the residence time by holding back the material. After germination, the aspiration and gravity separation separate the bran as well as germ from the main course. Aspiration is a unit operation used for separating the pericarp from the mixture of the endosperm and germ using terminal velocity, which is affected by particle size, shape and density. Of course, aspiration ka jo principle hai basically wo yahi hai ki wo particle size, shape and density ki base ke upar jo hai wo product jo ek particular mixture hota hai usko separate kar deta hai. While in gravity separation जो है वो अगेन मिक्सचर में से जो है स्पेसिफिक वेट की चीज़ें जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. ग्रेविटी सेपरेशन इन ड्राई मिलिंग इज़ यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू सेपरेट एंडोस्पर्म फ्रॉम द जर्म. एस्पिरेशन में ब्रैन सेपरेट होगा फ्रॉम द होल मील और ग्रेविटी सेपरेशन में जर्म सेपरेट होगा फ्रॉम एंडोस्पर्म. नेक्स्ट रोलर मिलिंग एंड सिफ्टिंग. उसके बाद जो हमारे पास एंडोस्पर्म आता है उस एंडोस्पर्म की मिलिंग होती है थ्रू रोलर मिल्स और सिलेंड्रिकल मिल्स फॉर ग्राइंडिंग डिफरेंट मटेरियल स्पेशली ग्रेन्स विच कैन एवर बी एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर हैमर मिल एंड बॉल मिल्स. जो मिलिंग मशीन्स आती हैं या ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन आती है उनके अंदर जो बेसिकली इंस्टॉल्ड होती है वो जो रिसेंटली आ रही हैं आजकल वो रोलर मिल्स हैं. ये रोलर मिल्स जो हैं ये एंडोस्पर्म का साइज़ मज़ीद रिड्यूस करती हैं, रिड्यूस करके इसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करती हैं. सिफ्टिंग इज़ यूज इन ऑर्डर टू एडजस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडोस्पर्म पार्टिकल. फिर जो एंडोस्पर्म के पार्टिकल्स हमारे पास आ जाते हैं सिफ्टिंग डिफरेंट मेश साइज या डिफरेंट मिलीमीटर साइज़ की हमारे पास छलनियाँ जिसे बोलते हैं सिफ्टर्स उन छलनियों को बोलते हैं. वो छलनियाँ जो हैं वो लगी होती हैं उनके ऊपर जैसे वो मील डाला जाता है और वो सेपरेट हो जाती हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस में ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ऑयल रिकवरी. जो जर्म है ये कमर्शियल स्केल पर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. कॉर्न एक्सपेलिंग विच इज़ नॉट कमर्शियली यूज्ड इन द यूएस फॉर कॉर्न जर्म ऑयल रिकवरी ड्यू टू इट्स लो ऑयल यील्ड एंड प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल इन सॉलिड प्रोडक्ट्स हैव इट सिंपल एंड चीप. सबसे पहला जो वर्ल्ड वाइडली यूज़ होता है मेथड वो कॉर्न एक्सपेलिंग होता है. कॉर्न एक्सपेलिंग से लेकिन एक तो ये कि ऑयल जो है उसकी रिकवरी प्रॉपर नहीं होती इंडस्ट्री लेवल पे. हम एक्सट्रैक्शन इज़ मोस्टली यूज बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑयल यील्ड एंड लोअर रेजिडुअल ऑयल ऑल दैट इज़ एक्सपेंसिव एंड एक्सप्लोजंस एंड सेफ्टी रिस्क. दो तरह की ऑयल रिकवरी के मेथड हैं, एक है थ्रू एक्सपल्शन और दूसरा है थ्रू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं और जो एक्सपल्शन मेथड है उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं. ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो प्रोडक्ट आती हैं उनके फाइनल यूजेस क्या हैं. फ्लेकिंग ग्रिड्स जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट सीरियल के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं जैसे कॉर्न फ्लेक्स या कॉर्न पॉप्स वगैरह आप खाते हैं. और जो कोर्स ग्रिट्स हैं जो 10 to 14 उसका यूएस सीव साइज होता है वो यूज़ होता है एक्सट्रूडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर जैसे फ्लेक्स एंड पफ्स और सेकेंड जनरेशन पफ्स और थर्ड जनरेशन पैलेट्स स्नैक्स. ये इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं वो जो आप लोग खाते हैं ना कुरकुरे. कुरकुरे इज़ बेसिकली अ कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट. फिर मीडियम ग्रिड्स जो होता है ब्रूइंग एडजंक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रूडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स यूज सेकेंड जनरेशन पफ्स एंड थर्ड जनरेशन पैलेट स्नैक्स. फाइन ग्रिड्स जो होते हैं वो भी ब्रूइंग एडजंक्ट यूज होते हैं रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीज पोरेजेस प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रूडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स. ये भी फिर हमारे पास जो कॉर्न्स हैं यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ब्रेड क्योंकि इनका साइज़ मज़ीद छोटा होता है.
इसलिए इनको नॉर्मली कॉर्न ब्रेड प्रेपरेशन में यूज करते हैं. इसके अलावा अगेन ब्रेकफास्ट सीरियल्स काइंड ऑफ. नेक्स्ट हमारे पास मील्स जो आती हैं वो ब्रेडिंग बैटर वगैरह बनाने के लिए, जो बिल्कुल ही मतलब जैसे आपके घरों में मकई का आटा आता है उसको मफ़न्स बिस्किट्स इन चीज़ों में यूज़ करते हैं. फ्लोर और मील का तकरीबन जो मैश साइज़ है वो एक जैसे ही अब होता है. समटाइम अच्छा समटाइम ये सारी चीज़ें सेपरेट यूज़ होती हैं, समटाइम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन फ्रैक्शंस को मिला के भी एक ऑल पर्पस फ्लोर बनाया जा सकता है, राइट, जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज हो जाए. तो यू ये जो फ्लोर मील जो है ये इसी तरह मेज बेस्ड बेकरी आइटम्स जो हैं जहाँ पर जो है वो इसको पानी में मिला के जैसे आटा गूंथते हैं, बैटर बनाते हैं या डो बनाते हैं, यूज़ होता है वेफल्स में, कॉर्न ब्रेड में. ये मेन यूजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्शंस जो हैं ये मेन यूजेस हैं, राइट. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.